हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं और हम सभी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना चाहते हैं, विच इज़ सो ऑब्वियस। और हम इन प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं बहुत बार, ये सोच के कि वो हमारी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन देंगे, कोई सजेशन या कोई आइडिया देंगे, राइट? और इवन समटाइम्स हम अपनी प्रॉब्लम शेयर सिर्फ ऐसे लोगों के साथ ही करते हैं जिनके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया या कोई सजेशन हो, या फिर अकॉर्डिंग टू अस जो उस सेम प्रॉब्लम से कभी गुजर चुके हों, ताकि वो हमें उस बारे में कोई आइडिया दे दें। मतलब वी ऑलवेज लुक फॉर द पर्सन जिसके साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें, राइट? और जब कोई अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करता है तो हम भी उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हमें करना चाहिए। इफ़ वी हैव सम आइडिया, अगर हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं, उस प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड हमें एक्सपीरियंस है और हमें मालूम है कि कैसे उसके साथ डील करना है, तो ऑफ कोर्स हमको उनको सजेशन देना चाहिए, उन्हें आइडियाज़ देना चाहिए ताकि उन्हें हेल्प मिले। लेकिन कई बार हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, हमने उस प्रॉब्लम के बारे में शायद कभी दूर दूर तक सुना भी नहीं होगा, एंड स्टिल वी वॉन्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हम फिर भी उनकी हेल्प करना चाहते हैं और उनको हेल्प करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्क़त करते हैं, यहाँ वहाँ चीज़ें ढूंढते हैं, लाइक सर्फिंग करते हैं, गूगल पे आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई बुक पढ़ लें या कोई आर्टिकल पढ़ लें, मतलब या फिर उनके बिहाफ पे अपने और दूसरे दोस्तों से पूछ लें, बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या इसकी ज़रूरत भी है? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ज़रूरत है और जिसकी प्रॉब्लम है उसके लिए वो सॉल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब बात आती है दूसरों के प्रॉब्लम की तो उसके लिए हम जो इतनी मशक्क़त कर रहे होते हैं, क्या उसकी ज़रूरत भी है? जब हम किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि हमारा शायद बहुत करीबी होता है, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर हमारे आसपास के और जो दूसरे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत खास है, वो हो सकते हैं। और जब इन लोगों के साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, जब हम किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें थोड़ा स्ट्रेस होता है, एन्जाइटी होती है, राइट? और अगर बहुत ज़्यादा टेंशन ले लें तो डिप्रेशन भी हो जाता है कई बार। तो जब हम अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करते हैं तो ये एन्जाइटी, टेंशन, इन सब से हम फ्री हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। क्योंकि डिप्रेशन, टेंशन जो होती है, ये जो है हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने नहीं देती। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम सिर्फ तभी ढूंढ सकते हैं जब हम इन सब चीज़ों से फ्री हैं। और किसी के साथ जब हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से हम फ्री हो जाते हैं, और फिर हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा फ्री होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो इसलिए अगर कोई आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है, एंड इफ़ यू हैव सॉल्यूशन, देन प्लीज़ शेयर विद देम, उनको सॉल्यूशन दीजिए, सजेशन दीजिए और उनको समझाइए, जिस भी तरीके से आप उनको हेल्प कर सकते हैं करिए। लेकिन अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो बस आप उनको इतना ही कह सकते हैं कि किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इट्स ओके, इतना टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी फाइन, तुम कर लोगे। सिर्फ इतना कह देने से ही उनकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है और आपकी भी इवन। क्योंकि जब हम दूसरों की प्रॉब्लम के लिए इतनी ज़्यादा मशक्क़त कर रहे होते हैं, एक तरह से उनका स्ट्रेस हमने खुद ले लिया है ना? कई बार दूसरों का स्ट्रेस हम पे हावी पड़ जाता है। और जब हम अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करते हैं और किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे होते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन दे सके, सिर्फ उसी के साथ हम इस प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, तो उस वजह से कई बार हम गलत लोगों के साथ भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर देते हैं, जिनको हम ठीक से जानते भी नहीं, जिनको हम समझते नहीं, जो हमें नहीं जानते, ऐसे लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर देते हैं।
ये सोच के कि वो कोई सॉल्यूशन देंगे, और शायद उनको पता भी होता होगा तो भी वो सॉल्यूशन देने में इंटरेस्टेड नहीं होते होंगे, क्योंकि क्योंकि हम उनके लिए कुछ खास नहीं है। इसलिए तो इसलिए जब आप अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हो वो इंसान आपके लिए खास हो और आप भी उस इंसान के लिए खास हो। सॉल्यूशन मिले नहीं मिले डजंट मैटर, क्योंकि जब वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे तो आपका आधा टेंशन तो वहीं ख़त्म हो जाना है, प्रॉब्लम का आधा सॉल्यूशन तो वहीं हो जाना है। और फिर जब आप टेंशन फ्री होकर अपने उस प्रॉब्लम के बारे में अपने उस इशू के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता है। और अगर वो लोग आपको कोई आइडिया या सजेशन दे पाएँ देन इट्स ग्रेट, लेकिन अगर नहीं दे पाते तो उसके लिए किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कोई सजेशन देने वाला नहीं था, मुझे कोई सॉल्यूशन देने वाला नहीं मिला इसलिए मैं नहीं कर पाया। किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अपना सॉल्यूशन अपने से बेहतर कोई नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि सॉल्यूशन ढूंढना भी एक प्रोसेस है और उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर ये काम हम किसी और को दे देंगे तो वो जो सीखने की अपॉर्चुनिटी है ना वो हमने किसी और को दे दी है। इसलिए कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्व करनी है अपने तरीके से। इन द सेम वे अगर कोई और आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है तो उनको भी आप यही समझाइए कि अपनी प्रॉब्लम को खुद से शेयर कीजिए। इवन जब आप उनको सजेशन देते हैं तो भी उनको बस एक छोटा सा आइडिया दीजिए ताकि वो खुद अपना दिमाग चलाकर और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उनको एकदम टू द पॉइंट चीज़ें नहीं बता दीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि बस ऐसे करो देन इट विल बी फाइन। उन्हें खुद से थोड़ी सी मेहनत करने दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और कभी भी किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी कंडीशन के लिए, किसी भी इंसिडेंट के लिए किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए और वो इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि वो सिचुएशन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जब हम उनके बारे में थोड़ा सा टेंशन लेते हैं, थोड़ा सा हम उस सिचुएशन से डर जाते हैं, तो उन सब चीज़ों से हम सीखते हैं और इसीलिए ही वो चीज़ें एक्चुअली हमारी लाइफ में आती हैं। तो हमें कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स अपनी इश्यूज़ से घबरा के किसी और से ये आस नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे लिए इस चीज़ को सॉल्व कर देगा। वो हमारे लिए इसीलिए है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम इसीलिए आई है क्योंकि वो हमें सॉल्व करनी है। हाँ, अपनी टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए उनको आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं कि इन दिनों मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, इफ़ यू हैव सम आइडिया प्लीज़ हेल्प मी। बस अगर आइडिया है उनको, कुछ सजेशन है उनके पास तो वो आपकी हेल्प करेंगे, नहीं है तो अपना हेल्प आप खुद कीजिए। तो आप बताइए कि जब आप किसी टेंशन में या किसी इशू में होते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करना पसंद करते हैं या फिर खुद ही अपने सारे सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं। और साथ में ये भी बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।